यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमोल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू और यीशु के गवाहों के लोहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का, जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताया हूँ। जो पशु तूने देखा है, यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं, जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं, और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सींग तूने देखे, वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे, और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा हैं। और जो 10 सींग तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे, और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, और उसका मांस खा जाएंगे, और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमोल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू और यीशु के गवाहों के लोहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ?